हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 9.1 क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है उसका सम नंबर 6। इसके पहले के 5 क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा 6 क्वेश्चन है। और आज की इस वीडियो में हम ये प्रैक्टिस सेट को कम्प्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट एंड लेट्स मूव ऑन टू द सम। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है। एक याद है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, तो फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वैसे ही जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैंने क्या बोला था, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम रहता है। तो ब्रेथ और जो हाइट है, देखिए ये था मेरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जब मैं इसे क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर भी लेंथ, ब्रेथ भी क्या है लेंथ और ये भी क्या है लेंथ। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, लेंथ क्यूब। तो यहां से आपका आता है एल क्यूब। आई होप आपको ये समझा पार्ट। गिवन में क्या दिया, देखिए गिवन में दिया लेंथ ऑफ एज। एज मतलब क्या कि उसके एक साइड का जो लेंथ है वो कितना दिया, 7.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा और फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। अभी मैंने आपको बताया कि एल क्यूब कहाँ से आएगा। तो स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। इसे आप एल इंटू एल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। चलिए एल का वैल्यू आपको कितना दिया, 7.5। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 7.5 द होल क्यूब, विच इज नथिंग बट 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। इसका शॉर्टकट ट्री देखिए, 75 को मल्टीप्लाई करना, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाइए। जब मैं 75 को 75 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो गया, 75 का स्क्वायर हो गया। 75 का स्क्वायर मतलब क्या, जब भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके एंड में 5 है, तो क्या करने का, 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद नंबर कौन सा आता है, 7 8 56। तो ये कितना हो जाएगा, 5625। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा वैल्यू कितना गया, 5625 आ गया। अब इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 75 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 5625 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 5 25 2 5 2 10 12 1 5 6 30 31 3 5 5 25 28, फिर क्रॉस 7 5 35 3 कैरेट, 7 2 14 14 plus 3 17 7 1 7 6 42 43 4 7 5 35 39। सॉल्व आउट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 plus 3 11 1 1 9 10 12 2 1, और ये हो जाएगा आपका 4। मैंने क्या बोला था, डेसिमल को भूल जाना। अब डेसिमल को भूलते ही, शुरुआत में आपने भूला, जैसे ही आप एंड में पहुंचे तो आपको डेसिमल लगाना, कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा, एक नंबर इधर, एक नंबर इधर, एक नंबर इधर, तो टोटल 3 नंबर के बाद। तो जो आपका आंसर रहेगा दैट विल बी योर 421.875। अच्छा ये क्यूब है, क्यूब में मैंने क्या बोला था, क्या लगाएंगे हम लोग, क्यूबिक मीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहां पर सेंटीमीटर है तो इसे आप लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, या तो लिख सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू आपकी क्या है, राइट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो भी सम किया वो सारे सम डिपेंडेंट किसके ऊपर बेस्ड थे, क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर, जिसमें आपने उसके वर्टिकल सरफेस एरिया, सरफेस टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की। अभी जो लास्ट का 2 सम है दैट इज बेस्ड ऑन, वो सिलेंडर के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सिलेंडर के ऊपर दिया, लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर जाते हो तो आपको सिलेंडर पर भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सिलेंडर और कोन के सेक्शन को आपको बहुत ही ध्यान से करना है। देखिए फिर से वही बोलूंगा, फॉर्मूला का वीडियो मैंने डाला है तो वहां से आप सिलेंडर और कोन के फॉर्मूलाज को कैसे ट्रिक से यूज करते हैं, कैसे ट्रिक से याद रखते हैं, वो आप वहां पर चेकआउट कर लीजिए। देखिए क्या बोला है, रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। ये बेस वीज क्या बोल रहे हैं वो हम बाद में चेकआउट करेंगे, फिलहाल के लिए खाली ये देखो रेडियस क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। फिर क्या बोला, हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, और जो मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr(r+h)। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा और यहां पर क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, CSA। अभी CSA का मतलब समझेंगे ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh।
टू इंटू पाई का वैल्यू आप क्या लोगे। अच्छा पाई का वैल्यू आप डिसाइड कैसे करते हो, कैसे डिसाइड करते हो कि 3.14 लेना है कि 22/7। चेकआउट करिए आर और एच का वैल्यू आपको कितना दिया, 20 और 13 दिया। इसमें कोई भी वैल्यू है जो 7 के टेबल में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो आप वहां पर क्या करोगे, आप वहां पर 3.4 भी यूज कर सकते हो, 22/7 भी यूज करते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है, समझो यहां पर 14 होता तो मैं यहां पर क्या यूज करता, 22/7 यूज करता। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल आउट कर देता है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, 22/7 लेता हूँ, इंटू रेडियस का वैल्यू कितना दिया है 20, इंटू हाइट कितना दिया है 13। अभी इसे आ गया, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, एक काम करिए ना, आप 22/7 मत लीजिए, आप लीजिए 3.14। इससे आपका सम बहुत ईजिली हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 2 26 हो जाएगा, और ये 314 है, इसको जब मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 2 से तो वैल्यू कितना आएगा, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, और 1 0 एक पॉइंट को हटाएगा, मतलब एक मिनट कैलकुलेशन देखिए कैसे होगा। ये 2 है, ये 20 है, तो ये कितना हो गया, 2 × 20 अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा कितना हो गया, 40 हो गया, और यहाँ पर 13 है, और यहाँ पर कितना, 3.14। ये कितना हो जाएगा, 40 × 13 × 3.14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 314/100। तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप सिंपली क्या करिए, ये सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करिए, 13 4 कितना होगा, 52 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 520 × 3.14। अब आप क्या करिए, 314 को मल्टीप्लाई करिए 52 से, 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, क्रॉस 5 4 20 02, 5 5 + 2 7, 5 3 15, तो वैल्यू कितना आ गया, 8 2 7 + 6 13, 3 1 6 1, ये आपका वैल्यू आ गया। पॉइंट कितने नंबर के बाद आएगा, 2 नंबर के बाद। अच्छा 10 यहाँ पर आपने नहीं लगाया तो 10 आपको लगाना है। अब 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 2 नंबर के बाद डेसिमल आएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1632.80। 0 क्या, एरिया फाइंड कर रहे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वेयर। आई होप आपको ये इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये आधा ही क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट हमारा बाकी क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2πr(r+h). तो अगर फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2πr, 2πr का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 22, मैंने बोला ना 3.14 यूज करो तो सिंपल हो जाएगा, 3.14 × r का वैल्यू आपको कितना दिया है, 20 दिया है, तो यहाँ पर 20 रख दिया, और r प्लस h मतलब 20 + 13। अब इसे सॉल्व आउट करेंगे तो 2 × 3.14 × 20, इसको ऐडअप करोगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो अभी, ये 22 का कितना होगा, 40 × 3.14 × 33, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो जो आएगा वो आंसर। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो, 314 डेसिमल भूल जाओ, यहाँ पर क्या रखोगे, 40 में भी, हाँ 40 रखो, चलो 4 0 0 0 0, क्रॉस 4 4 16 6 1, 4 1 4 1 5, 4 3 12, तो वैल्यू कितना गया, 06521। अब इसके साथ आप क्या करोगे, 33 को मल्टीप्लाई करो, 12560 × 33 कितना होगा, 3 0 0 3 6 18 8 1 5 15 1 16 6 1, 3 2 6 1 7 3 1 3, फिर क्रॉस, फिर यही 3 है ना, तो सारा वैल्यू रिपीट होगा, तो 08673 वैल्यू कितना होगा, 08 8 6 14 4 1 7 7 7 कितना हो जाएगा, 14 4 1 7 3 10 11 1 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब ये जो आंसर आया, डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा, 2, तो यहाँ पर आप 2 नंबर के बाद पॉइंट डाल दो, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर 4144.80 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आए। मेंसुरेशन का सबसे मेन फंडा होता है कैलकुलेशन, जिसको कैलकुलेशन आता है वो मेंसुरेशंस को इजीली कर सकता है, और उसके साथ उसको फॉर्मूलेस भी आने चाहिए। फिर इसके बाद आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, लास्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, देयरफोर क्या फाइंड करना था आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है, 1632.80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक पार्ट, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4144.80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से बॉक्स में डालना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आए, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है वो आप पुट ऑन कर सकते हैं।
देखिए क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर अगर आप देखो तो रेडियस का वैल्यू आपको कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया आपको, 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या रहेगा, सी एस सी ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बाय यूजिंग फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, 2 रखेंगे इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7, इंटू रेडियस आपको कितना दिया है 15, इंटू एच का वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं, कीप एज एच एज इट इज़, और यहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया 1980। अब मुझे क्या करना है, मुझे एच का वैल्यू चाहिए, तो सारे वैल्यूज को मैं इस साइड पुट ऑन करूंगा, तो मेरा वैल्यू देखिए कैसे होगा, 1980 इंटू ये जो डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमिनेटर में चला जाएगा और नीचे आएगा 2 इंटू 22 इंटू 15 इज इक्वल टू योर एच। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 वन ज़ा है, 2 नाइन ज़ा, 2 नाइन ज़ा 18 होता है, 9 ज़ा 18 वन कह रही, 2 नाइन ज़ा 18, और यहाँ पर आ गया 0। अगर ये दोनों को देखूँ तो 11 से कट आउट होगा, तो 11 टू ज़ा 11 नाइन ज़ा, तो मेरे पास वैल्यू कितना आता है 90 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 15, बराबर। अगर आप इसे चेकआउट करो तो ये पूरा कट हो रहा है, यहाँ पर क्या है एच, वापस देखिए H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 15 हो रहा है, 15 टू से कितना होता है 30, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 7 अपॉन 30, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये इससे कट हो रहा है 3 जा, तो 3 इंटू 7, तो H का वैल्यू कितना होगा 21 सेंटीमीटर। और लास्ट में आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज H इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये इतना क्वेश्चंस क्लियर हुआ, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को पहली बार देखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि इस पर ऐसे मैथ्स की वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं।